नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, मैं आज आपको तीन तरीके दिखाऊंगा एसी से एलईडी लाइट जलाने के लिए। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये जो तरीका है हमारा, इसमें दोनों साइड में आप रेजिस्टेंस को लगाना है 100 के। आप दोनों साइड में जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उससे आप एसी से एलईडी को जला सकते हैं। दूसरा जो है, आप इस तरीके से एक 4007 डाईबोर्ड और 220 के का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। जो डाईबोर्ड है वो आपको ग्राउंडिंग साइड में रखना है, यानी जो एलईडी का नेगेटिव साइड है उस साइड में इसको रखना है। और ये भी देख लीजिए पास से किस तरीके से डाईबोर्ड लगा हुआ है। तीसरा तरीका है आपका इस तरीके से, यहाँ पर एक 220 के का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं आप कोई भी साइड में, नेगेटिव पे भी और पॉजिटिव पे भी। अब यहाँ पर मैं इन तीनों का टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मल्टीमीटर में आपको दिखाता हूँ वोल्टेज चेक करके, ये देखो। तो हम इसको चेक करते हैं वोल्टेज को, तो वोल्टेज कितनी आ रही है यहाँ पर देखिए, 230 वोल्टेज आ रही है। अब 230 वोल्टेज के अंदर ही मैं आपको सारी एलईडी को चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए, ये एलईडी जल रहा है हमारा एसी से। फिर हम मैं यहाँ दूसरा एलईडी जला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये भी जल रहा है हमारा, ये डाईबोर्ड वाला है। और फिर हो गया जो दोनों साइड में रेजिस्टेंस है वो, ये देखिए। तो तीनों एलईडी देखिए बराबर जल रहा है, ग्लो भी बराबर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप तीनों एलईडी इस तरीके से जो है किसी भी इंडिकेटर में या किसी भी एसी के अंदर आप इन एलईडियों का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।